टेंशन मत ले दी। नहीं पल्लवी, पूरा दिन ऑफिस में आज उसने मुझे परेशान किया, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं भरा। और हिम्मत देख, मेरे पर्सनल नंबर पे उसने मुझे फोन किया है। अच्छा बाबा, अब जो हुआ सो हुआ, ठीक है? अब दादी की जुबान में बोलूं तो मिट्टी पाओ। चल अपना मूड बदल, स्माइल अपने फेस पे। माँ और दादाजी तेरा वेट कर रहे हैं बाहर। वो जानना चाहते कि तेरा पहला दिन कैसा था ऑफिस का। चल अब, लेकिन उनको ये मत बताना जो तूने मुझे बताया। ओके अच्छा जी, तो अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या बोलना और क्या नहीं है? बहुत बड़ी हो गई है ना तू। चल, कभी कभी तेरे साथ बड़ा बनना पड़ता है। अब जैसे मैंने बोला मूड बदल, तो तूने बदला ना पागल। चल। अरे बस बस, बड़ा अच्छा लगा जी आपसे मिलकर। वो क्या है कि मेरे पिताजी नहीं है, अब आपके शहर में उन्हें देख लूंगा। माता जी आपने बताया नहीं कि देविका के पिताजी हैं, मैं तो ऐसे ही खाली हाथ आ गया। कोई बात नहीं जी, वैसे भी मुझे ये तोहफे शोबे में कोई दिलचस्पी नहीं, फजूल की फॉर्मेलिटी है सब। मैं सब में यकीन नहीं करता। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप इस घर की बेटी के साथ ब्याह कर रहे हैं, जबकि आप MLA हो, हैसियत में हम लोगों से कहीं। नहीं जी नहीं, मेरी हैसियत देविका के सामने कोई मायने नहीं रखती, बहुत ही खास है, दूसरी लड़कियों से अलग है, एक अनोखी बात है। खास क्या, क्या मतलब है आपका? मैं उसकी सादगी की बात कर रहा था, उसका भोलापन जिसने मेरा दिल जीत लिया। ऐसी एक जीवन साथी की तलाश में था, और देखिए ना मुझे मिल गई। पुत्र आप बैठो, बस चाय बन गई है, मैं लेके आती हूँ। आ जाओ आ जाओ बैठो। ठीक है जी, आइए आइए। चल रेखा। मैं कह जी तुसी भी आ जाओ, चाय बन गई है। माफ कीजिए, मुझे जरा एक फोन करना है। ठीक है। थैंक यू। आपका ऑफिस में पहला दिन कैसा था? किसी ने परेशान तो नहीं किया आपको? नहीं, किसी ने परेशान नहीं किया, ठीक था दिन। और छोड़ो ये दफ्तर शफ्तर की बातें, मेरे पास ना आप सबके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। मैं पंडित जी से मिलकर आई ना रोके की तारीख के वास्ते, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक हफ्ते के बाद बड़े शुभ मुहूर्त है। तो बस जी, मैंने तय कर लिया कि उसी दिन रोका होगा। अच्छी बात है, आप प्लीज रोके के दिन छुट्टी ले लेना। आप थकी भी लग रही है, एक काम करते बाहर चलते, आपका मूड भी ठीक हो जाएगा और साथ खाना भी खा लेंगे। साकेत जी, मुझे लगता है कि इसे थोड़ा आराम की जरूरत है, और फिर कल उसे ऑफिस भी तो जाना है। कैसी बातें करते हो जी, है और जवान लड़की है हमारी तरह, बुढ़ी थोड़ी है कि आराम करेगी, है ठीक तो लग रही है। वैसे भी शादी से पहले लड़का लड़की को एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत टाइम तो बिताना ही चाहिए, एक दूसरे को समझने के लिए, है कि ना जी? हाँ जी हाँ। जा देविका, जा कपड़े बदल के आ जा पुत्र, जा शाबाश। इस घर में अपनी मन की बात कहना भी गुनाह हो गया अब तो, बस जो बोला जाए चुपचाप वही करो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये वही दादी है। पहले अगर घर की कोई लड़की शाम होने के बाद घर के बाहर रहती तो सारा घर सर पर उठा लेती थी, संस्कार और मर्यादा की दुहाई देती, पर अब देखो इतनी रात के बाहर भेज रही है मुझे। संभाल के रहना, वो होने वाले जीजू तुझे अच्छी नजर से नहीं देख रहे थे, पता नहीं कैसी आउटिंग प्लान करी होगी तेरे साथ। पागल हो गए क्या पल्लवी, क्या कह रही है? साकेत जी इतने भी बुरे नहीं है, और उस रवि से तो लाख गुना अच्छे हैं। मैं तुझे बताना ही भूल गई, तुझे पता है आज ऑफिस जाने से पहले साकेत जी मेरे ऑफिस गए थे मेरे लिए सब इंतजाम करने। पल्लवी कुछ मत सोच, वो अच्छे हैं सच में। मैं तैयार होकर आती हूँ। बस आज देविका का मूड अच्छा होना चाहिए, और वो मुझे अपने करीब आने दे, तड़प रहा हूं उसे अपनी बाहों में लेने के लिए। और अगर उसका मूड खराब भी हो तो
उसे बदलना होगा। मेरी बात माननी पड़ेगी उसे, क्योंकि मैं उससे दूर नहीं रह सकता। अब वक्त आ गया, उसे पता होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं। चलें। एक मिनट साकेत जी, चुटकी, आप दोनों जाने से पहले अंबे माँ का आशीर्वाद ले लीजिए। साथ में जाओ फिर बाहर जाओ। आई अच्छा हो तो मिल गई यार, कान टेल यू मैं कितना परेशान हुआ। वो तो भला हुआ उस मैकेनिक का जिसने मेरी बाइक ठीक कर दी, वरना मैं कितना बोर हो गया था। अब तो सब ठीक है ना? अरे बिल्कुल चंगा, एकदम बढ़िया। तुम बताओ क्या प्लान? सच में रवि, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, तुमसे मिलके मुझे कितनी खुशी हो रही है। कॉलेज की सारी यादें ताजा हो गई है। I'm so happy. Of course, यार, मैं बहुत खुश हूँ। यादें अगर अच्छी हो तो दिमाग फ्रेश हो जाता है, और यादें अगर कॉलेज की हो तो क्या ही बात है। खैर ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ इसके बाद क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कुछ नहीं यार, घर जाऊंगा, कल की प्लानिंग करूंगा और सो जाऊंगा, सिंपल। इट्स सो बोरिंग रवि, कल की कल देखेंगे, आज के दिन की तो हैप्पी एंडिंग करते हैं। हैप्पी एंडिंग? एक काम करते हैं, हम लोग डिनर करने चलते हैं, और हमारी गप्पे भी तो अधूरी है। Are you sure? इतने बुरा नहीं मानेगा? Come on, कैसे स्कूल बॉय टाइप बातें कर रहे हो तुम? ऋत्विक ना बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और वैसे भी वो आउट ऑफ टाउन है। आज का दिन हमारा कितना अच्छा गुजरा है, मैं चाहती हूँ कि हमारी शाम भी बहुत अच्छी गुजरे। चलो ना, क्यों इतना वो कर रहे हो? तुम्हारी गाड़ी है मेरी बाइक? ऑफ कोर्स तुम्हारी बाइक। मैं अपने चेहरे पे वो ठंडी ठंडी फ्रेश एयर फील करना चाहती हूँ। ओके, एज यू विश, ड्राइवर इज रेडी, तो चलें। तुम और तुम्हारी नौटंकियां। अच्छा मुझे लगता था कि तुम चेंज हो जाओगे, लेकिन तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो यार। चेंज होकर किसका भला हुआ है जो मेरा हो जाएगा? वैसे ये तो बताओ कि जाना कहाँ पर है? तुम एक काम करो, तुम यहाँ से सीधा लो, फिर मैं तुम्हें आगे जाके गाइड करती हूँ। ओके। एंड हाँ, एक बात, बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइव मत करना प्लीज। अच्छा वो क्यों? क्योंकि अगर तुम फास्ट ड्राइव करोगे तो मुझे तुम्हें ऐसे पकड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे फास्ट ड्राइव करना ही पड़ेगा। क्या हो गया, इतनी नर्वस क्यों तुम? ऐसा नहीं है कि तुम मुझे जानती नहीं हो, और हम पहली बार बाहर नहीं आ रहे। नर्वस नहीं हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूँ। मैं ऐसे पहली बार किसी के साथ अकेले बाहर आई हूँ। चलिए आपकी भी बात सही है। मिल गई, मिल गई। हाँ मालूम है कब से ढूंढ रही थी, आज मिल गई। पकड़ लिया। चल पकड़ लिया। छोड़। ये आदमी तेरे साथ क्यों है? ये तेरे लिए सही ना है। हाँ तेरे नसीब में कोई और है। ये बंदा बहुत गलत है, हटा इसे, हटा अपनी जिंदगी से, दूर रख इसे। क्या बकवास कर रही है, हट यहाँ से। ये लड़की, मैं सच कह रही हूँ, तेरे अंदर उजली उजली रोशनी है, रब का मेहर है तुझ पर, और ये आदमी बुराई का भंडारा, तेरी जिंदगी में ग्रहण है ग्रहण। दूर रहना इस आदमी से, दूर रहना। हाँ हाथ हटा अपनी, ये तो हाथ तोड़ दूंगा तेरे इधर। मेरी बात को ध्यान दे कुड़िये, तू पवित्र है, और ये आदमी, इसकी आत्मा पर शैतान का साया है। दूर भाग जा, इसके आसपास भी ना आना, मत आना इसके आसपास। आप उसकी बातों को सीरियसली मत लीजिए, पागल औरत है, कुछ भी बकवास करी थी। आइए आइए, अरे आइए। वो चली गई, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अंदर जाके बोल रही हूँ ना, मत जा इस आदमी के साथ। ये आदमी तेरी बर्बादी का कारण हो सकता है। तुझे सुबह से कोई मिला नहीं क्या? क्या यहाँ से? मुकद्दर का लिखा कोई नहीं बदल सकता, और ये आदमी तेरा मुकद्दर ना है तो ना है। मत जा इस आदमी के साथ, भाग जा लड़की, भाग जा। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक। मूड खराब कर दिया, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि इस रेस्टोरेंट के बाहर ऐसे पागल लोग होते हैं। गली से पागल खाने चलो, आप प्लीज अपना मूड मत खराब कीजिए। आइए चलते हैं, अंदर जाके बैठ के आइए, आइए आइए आइए।